से जीते हैं जो बीजेपी की सरकार है, बुरा तो सब लोग मानते हैं लेकिन वो भूल की वजह से जीते हैं, मोदी की वजह से, वरना वो जीतते नहीं, लेकिन वो मोदी की वजह से जीते हैं। वो सतीश गौतम को वोट नहीं मिले हैं, वो मिले हैं योगी जी और मोदी जी, मोदी जी को वोट मिले हैं जी, सतीश गौतम को कम वोट है लेकिन मोदी जी और योगी जी इनके लिए। मोदी जी योगी जी को वोट मिल रहे थे तो सीट तो घट गई और बाकी जगह तो घट गई, सीट तो घटी है। किस वजह से घटी क्या सोचते हो जी? उनका काम सही नहीं है, सतीश गौतम जी का काम सही नहीं है अलीगढ़ जिले के अंदर। इन्होंने जो लगाया था संविधान बदल देंगे, इस वजह से सीटें घटी। संविधान बदलेंगे, 400 पार चाहिए, संविधान बदलेंगे। वो तो बीजेपी कहती है कि सिरूपा छोड़ दिया, भरम फैला दिया। सिरूपा तो खुद लल्लू प्रसाद वो जो है अयोध्या से लड़ रहे थे, उन्होंने खुद स्टेज से कहा था। अयोध्या का भी मसला पूरा किया उन्होंने, 370 भी उन्होंने तोड़ा, किसी की ताकत नहीं थी जो है। अरे अयोध्या कैसे हार गए? अरे हार भी और इन्हें हिलाने वाला उपचुनाव में नहीं। अभी उपचुनाव में वो जो है काशी विश्वनाथ सीट कैसे हार गए? वो जो है उत्तराखंड की कौन सी है वो? बद्रीनाथ सीट। बद्रीनाथ सीट कैसे हार गए जब इतना ही बढ़िया काम है तो? और वोट देते ही ना, मोमडन वोट नहीं देते बीजेपी को। अरे मोमडन तो कभी से नहीं दे रहे थे। हाँ तो यही है, जब एक तरफ मोमडन ही थोड़ी नहीं यार, खाली मोहंडन क्यों कहते हो? मोहंडन तो पहले भी नहीं दे रहे थे तो बीजेपी कैसे वोट भरे हो? पहले बटते हो जी मोमडन वोट। अरे अब इस बार तो दूसरे लोगों ने भी नहीं दिया। सही बात है, एकदम ठीक बात है, करेक्ट। 13 सीट में से एक सीट जीते हैं भाजपा, एक सीट तो जहाँ जहाँ सरकार थी ज्यादातर 7 राज्यों में से। खुद की इनकी खुद की राजनीति सर, उत्तराखंड में इनका खुद का राज्य नहीं है। 8-9 सीट जीतेंगे यूपी में। ओके चलो, हाँ आप बताओ यार, यूपी जिसको चाहेगी उसको रख देगी सर। हाँ। यूपी तो इस बार चाहिए कि मोदी जी का खत्म। योगी बाबा जाएंगे पक्का, योगी बाबा, योगी जाएंगे, योगी आदित्यनाथ सीएम पीएम पर ये जाएंगे साहब। हाँ जी पीएम, अभी तो सीएम पे लफड़ा लगा, सीएम पे है लेकिन उनकी एज देखो आप, पीएम पद नहीं छोड़ेंगे वो, पीएम पद तो छोड़ेंगे, पीएम पद तो छोड़ेंगे सर, वो एज के मुताबिक पीएम पद तो छोड़ेंगे वो जो है मोदी जी। अरे मोदी जी एकदम फिट आदमी है, क्यों छोड़ेंगे? एज को कहाँ ले जाओगे आप, फिट तो हैं। अरे अभी तक 29 का चुनाव, अभी तो 24 हुआ यार, तुम 29 तक चले गए, अगले महीने का पता नहीं। वो तो एक रात का भी एक सांस दूसरी की बात। खैर पे रहो, खैर पे क्या होगा विधानसभा उपचुनाव में? ये तो बीजेपी का ही है, बीजेपी हाँ इससे हिलना नहीं है। क्यों? क्यों उन्होंने लिख के दे दिया था कि चुनाव जो मैं लड़ रहा हूँ मेरे प्रत्याशी पे नहीं जाए, आप मुझे देखें जो मैन स्टीयरिंग बैठी है उधर, मोदी जी इनको इंडिकेट तो मैं करूंगा यहाँ से। तो मोदी जी के तो स्टीयरिंग चलती रही तो स्टीयरिंग तो फेल हो गई यूपी में, सीट तो कम हो गई बीजेपी की। हाँ वो तो धोखा, ये तो सब तरह की दुनिया है साहब, और कोई जबरदस्ती नहीं है, फ्रीडम है। ये तो वोट दे रहे का ही है, योजना किसी की ले रहे हैं, वोट दे रहे हैं किसी को, पब्लिक धोखा करती है। क्या योजना मिली? अरे मोदी जी योगी जी की योजना लेते हैं पब्लिक और वोट दे दिया दूसरों को, ये धोखा ही है। तो और ज्यादा चाहिए था ना, और 8,500 खटाखट सांसद तो सब बढ़िया है भैया, सांसद 1400 वोट हरा के भेजे खेलते बीजेपी वाले। अरे अब तो जीते हैं यार, क्या खेलते तो हरा के भेजे। अरे खैर से तो जीते हैं यार, खैर से हार गई, हार के भी गए, जीत प्राप्त हुई। हाँ भाई साहब बताइए आप। सर क्या बोलूँ मैं, आप बताइए, अगर बीजेपी की और इनकी बात करोगे तो सर कुछ जो झूठ फैलता है ना, आपने देखा होगा कि संविधान बदल देंगे वो कर देंगे, एक तो वो झूठ ले गया लोगों को। हमारी पब्लिक क्या है कि बदलती बहुत जल्दी है, सेकंड लगाती है, आपके साथ जुड़ जाएगी या उसके साथ जुड़ जाएगी, वही हुआ। अब रही बात बीजेपी कहते हैं बहुत सारे मुद्दे सर, एक तो ये आपका दे दिया अग्निवीर का, उसमें भी लोग प्रॉब्लम में आए बहुत ज़्यादा। दूसरा सर कोई भी इन्होंने टेस्ट कराए, जो भी एग्जाम कराए वो कभी सफल नहीं हुए, 10 साल हो गए कोई सफल नहीं हुआ यूपी में, उसी का परिणाम इन लोगों को ज़्यादा मिला है सर, इसी चीज़ का परिणाम ज़्यादा मिला है इन लोगों को, जो कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, बच्चे ओवरेज होते जाते हैं तो उनके लिए क्या करेंगे सर ये। तो उस चीज़ को देखते हुए दूसरी पार्टी उसका फ़ायदा उठा गई कि हम ये कर देंगे कि हम वो कर देंगे, तो वो चीज़ का कि अग्निवीर को हम बंद कर देंगे वो कर देंगे, तो उनका फ़ायदा ले गए सर। तो अग्निवीर से लोगों को नाराज़गी है? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा है, समझते नहीं है उस चीज़ को, समझने वाले अगर उसे समझें तो ठीक है। मैं बता रहा हूँ बहुत फ़ायदा है, मैं अपने बेटे को भेजने के लिए तैयार हो गया हूँ अग्निवीर में, कुछ नहीं
चार साल तो करेगा जो वैसे नहीं मिल रही है। तो आप तो कह रहे हैं, मैं पूछा कि अग्निवीर से लोग नाराज है। हाँ बिल्कुल, बहुत लोग नाराज है, लेकिन वो समझे नहीं ना उस चीज को पूरा कि अग्निवीर से अपने बेटे को भेजने के लिए तैयार हूँ सर, उसका कारण है, मैं इसीलिए भेजने के लिए तैयार हूँ। अगर चार साल उससे मैंने कर दूंगा, ये चीजें मत देखो, चार साल के बाद ऑवरेज हो जाएगा, क्या करेगा फिर, मुझे आप बताइए। जॉब कहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब ही कहाँ है आज की डेट में, आप देखिए। आप इसलिए अग्निवीर में भेजना चाहते बच्चे को कि नौकरियां नहीं है, जो मिल रही है वो ले लो, या मेरी बात सुनिए, आप इसलिए भेजना चाह रहे हैं कि नौकरियां नहीं है जो मिल रही है वो ले लो, या आप प्रायोरिटी में भेजना चाह रहे हैं कि सब छोड़ो अग्निवीर में जाओ? नहीं, वो दोनों चीजें सर, उससे एक और बेनिफिट है ना, अग्निवीर से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि वो चला जाएगा, ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद आके यहाँ पे उसको बहुत सारी जॉबों में छूट मिलेगी, उसका बेनिफिट उसको वहाँ मिल जाएगा। तो चार साल में अगर जाएगा, अगर अपने बच्चे तो आपके देखने में इधर 10 सालों में कितनी जॉब युवाओं को मिली? जॉब है ही नहीं। तो जब जॉब है नहीं तो उसको मिलेगी कहाँ? सर जॉब तो है, लेकिन उनको निकालें जब ही तो मिले, निकाल देते हैं, टेस्ट क्वालिफाइड नहीं हो रहा, कोई भी सबको हो जाता है क्या कि फेल हो गया। आप ये भी कह रहे हैं कि 10 साल में कोई जॉब उस तरह से मिली भी नहीं बच्चों को? कहाँ मिली आप बताइए। तो जब जो बच्चा लौट के अग्निवीर आएगा, अगर यही हाल रहा तो उसे कहाँ मिलेगा? नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन सर हमेशा यही थोड़ा रहेगा, लेकिन चार साल तो करेगा ना जॉब, उसके अंदर एक जॉब करने की इच्छा भी तो होगी। अब क्या होता है कि बच्चा जब ऑवरेज हो जाता है, जॉब करने की इच्छा भी खत्म होती जा रही है ना उसकी। अभी आप देखिए एग्जाम ऐसे हो गए हैं कि हर बंदा आ जाता है पास होके, अब कोई दिक्कत नहीं है, पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब कुछ नहीं है, अब तो सब एक कहीं भी चले जाओ, किसी भी कॉलेज चले जाओ, सबको पास कर देंगे। बीटेक में चले जाइए, इतना बीटेक है बहुत ज्यादा सर, किसको जॉब मिल रही है आज की डेट में? कहीं नहीं है। अरे आजकल डिग्री ज्यादा है, नौकरी कहाँ है, पढ़ाई भी तो उसी लेवल का हो रहा है। हाँ बोलो भाई। पहले तो सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, मैं आपका डेली डिबेट देखता हूँ, शाम को 6:15 पे इंतजार करता हूँ, और आप एक पूरे देश के अंदर इकलौते पत्रकार हैं जो पत्रकारिता कर रहे हैं। अरे यार क्या अरे नहीं सर, बिल्कुल सत्य बात है, ये आप ही करते हैं सत्यता। अरे भाई हमारा छोड़ो, अरे ठीक है अब हमारी बात छोड़ो, इतनी तारीफ एक हफ्ते के लिए बहुत है सर। इस देश में इस समय तानाशाही का माहौल है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को बेचारे को जो जिसने अस्पताल और स्कूलों के लिए काम किया उसे 2 साल से जेल में, 1 साल से जेल में डाल रखा है, एक शिक्षा मंत्री को जेल में डाल रखा है, और सुप्रीम कोर्ट बेल दे देता है तो सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है। जैसे पाकिस्तान में इमरान खान को जब वहाँ के हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, 3 दिन बाद फिर उसे किसी और दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया, उसे आज तक जेल से नहीं आने दिया। इसी तरह हमारे देश भी उसी तरह बढ़ता हुआ जा रहा है, एक हमारा देश अमेरिका की होड़ न करके पाकिस्तान की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, हमें उससे निकलना होगा। अब कल उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया मुजफ्फरनगर में कि अपनी दुकानों पर लिखाओ, दुकानों पर बोर्ड लगाने का काम करो, और दुकानों पर बोर्ड लगाएगा तो उससे छुआछात बढ़ेगी। जबकि मैं एक ब्राह्मण जाति से हूँ, लोकेश तिवारी मेरा नाम है, फिर भी मैं छुआछात के खिलाफ हूँ। क्यों? क्योंकि छुआछात बढ़ेगी अगर वो अपना कोई अगर जाटव बरादरी से है वो जाटव लिख लेगा, तो मैं लिख के दे रहा हूँ देश में 80% लोग से सामान नहीं खरीदेंगे। ये देश की सच्चाई है, ग्रामीण में देहातों में ये सच्चाई है जेन्युइन। और दूसरी चीज, अब खैर में उपचुनाव होगा तो खैर के चुनाव की सर कंडीशन मैं आपको बताऊं होता क्या है खैर के अंदर। यहाँ पर जो अपोजिट में प्रत्याशी होगा भाजपा का उसे जेल भेज दिया जाएगा, जिला बदर कर दिया जाएगा, जैसे कि 2022 के चुनाव में किया गया था। जैसे कि 2022 के चुनाव में जो हमारे बसपा से प्रत्याशी थे तेजुर गुड्डू के लड़के कार्तिक चौधरी, उन्हें जिला बदर कर दिया गया था। जब सामने विपक्षी नहीं होगा तो कोई भी जीतता रहे कोई भी हारता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर उससे। लेकिन अरे जाने दो सांसद जी को, सांसद देख लीजिए यहाँ जाम का बता रहे, और ये जाम खैर हमेशा लगा रहता है, सांसद जी जा रहे थे खुद ही जाम में फंस गए, और यहाँ हमेशा जाम की एक समस्या है। खैर जब भी आप आएंगे लोगे एक बात, मोहित तिवारी नाम तिवारी, लोकेश तिवारी, आप जो बात कह रहे हैं अगर ऐसा ही रहा होता तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी कैसे जीतती, और एनडीए से इंडिया गठबंधन को सीटें ज़्यादा कैसे मिलती, कैसे मिली? सर इन्होंने देश के अंदर जो माहौल पैदा किया है, अभी मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूंगा, ये बोलते हैं अयोध्या में हम क्यों हार गए, ये अयोध्या में भाजपा का हारने का कारण था। अभी यहाँ से आप 8 किलोमीटर दूर जाएंगे तो मेरा वहाँ पर मेरा गाँव है नदरोई, यहाँ राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी जो बन रही है वो मेरे गाँव पर बन रही है, वहाँ सरकार जो जमीन एक्वायर कर रही है उन्होंने दलाल वो कर दिए हैं, साइन तो ले रहे हैं 4 गुने के मुआवजे पे, और किसान को जो मिल रहा है वो 2 गुना मुआवजा मिल रहा है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के में जमीन जा रही हो, चाहे तुम्हारे ट्रांसपोर्ट नगर में जा रही हो, चाहे तुम्हारे उसमें जा रही हो जो एडीए कॉलोनी बना रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने दलाल पूरा सिस्टम एक वो कर रखा है, प्रशासनिक अधिकारी मिलकर बहुत बड़ी दलाली का काम कर रहे हैं। और किसानों का 189 दिन हो गए
ना कोई मीडिया जाता है, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी जाता है। 189 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं किसान। अगर वो दिल्ली के लिए रूट कर जाएंगे फिर कहेंगे कि किसान उपद्रवी हो गया है। अटलपुर गांव में 189 दिन हो गया, पूरा चुनाव निकल गया, कोई नहीं पहुंचता उनके पास। अटलपुर में मैं वहां से जिला पंचायत चुनाव लड़ा था, 53 वोट से हार गया था स्थानासाई सरकार के खिलाफ। परंतु यह सरकार को सोचना पड़ेगा कि किसानों के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, किसानों के लिए लड़ना पड़ेगा। इन्हें किसानों को